अब मास्क, अब
उसमें आपका द्रव्यमान होता है, मास मिक्स क्या होता है, द्रव्यमान होता है, ठीक है। एक्सेलरेशन मिक्स क्या होता है आपका, त्वरण। एक्सेलरेशन मिक्स क्या होता है, त्वरण होता है। अब आपको ये भी पता है कि त्वरण इज इक्वल टू क्या होता है, थोड़ा सा हिंदी सहारा लेना पड़ेगा समझने के लिए, ठीक है। अब इसके बाद त्वरण इज इक्वल टू क्या है आपका, वेग परिवर्तन मैट्रिक्स क्या होता है आपका, समय अंतराल। वेग परिवर्तन मैट्रिक्स क्या होता है आपका, समय अंतराल होता है। समय अंतराल का मतलब होता है कितने समय में क्या किया, ठीक है। इसके बाद वेग परिवर्तन का मतलब कितने समय में वेग किया, चाहे 45 किलोमीटर हो चाहे 45 किलोमीटर हो, वेग। अगर मैं एक घंटे में 45 किलोमीटर जाता हूँ, एक घंटे में कितना जाता हूँ, 45 किलोमीटर, सुना रहा। अगर मैं दो घंटे में चलता हूँ, अगर सेम यूनिट नहीं 45 ही चलूंगा ना, ज़्यादा चलूंगा, अगर सेम यूनिट नहीं चलने की क्या वही है तो 45 ही चलूंगा, कितना जाऊँगा 45। टाइम कितना लगा, एक टू आवर, एक वन आवर, एक थ्री आवर लगा क्या, थ्री आवर का नहीं टाइम आपका टू थ्री आवर लगेगा, लेकिन आपकी स्पीड भी ना थोड़ा सा लो होने के कारण 45 है, ठीक है। यानी एक घंटे 45, दो घंटे में भी 45, और बता दें एक घंटा की दो घंटे, एक घंटा, एक घंटा में 45 जाता है, और फिर दो घंटे में 45 जाता है, बड़ा अच्छी है, एक घंटा, ठीक है। उसे प्रकार से क्या चेंज कर ना, आप गलत मात्रा में कोई कुछ नहीं हो गया, इसमें साइंस का चैप्टर खोल आज से स्टार्ट कर देते हैं। तुमको क्या माइंड से कुछ नहीं है, माइंड कुछ नहीं है, ये लो लेट माइंड का रखा हुआ है ना, समझ आ रहा है ये देखना। अब बेटे की न्यूटन फर्स्ट रहा पर ये न्यूटन ना इलेक्ट्रिक पढ़ना सीखे अच्छे से, न्यूटन ने तीन नियम बनाए थे, ठीक है, कितने नियम बनाए थे, तीन नियम। कहाँ गए थे, चलो बैठो, आप इनको पीछे बैठो, चले यहाँ बैठो। Stop. Force. This is the force.